हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हमारे क्रोमाटून्स ऐप पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। वो दोस्तों अपडेट आया था कल, लेकिन मैं कल किसी वजह से वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, अब क्रोमाटून्स यूजर को क्रोमाटून्स ऐप पर काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। आई होप कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, ना ज़्यादा समय लगाते हुए चलते हैं फटाफट से वीडियो की ओर, आपको बताते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी बजा दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर ऐप के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है क्रोमाटून्स। तो दोस्तों, इसी को आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए, आपके सामने अपडेट का ऑप्शंस आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे अपडेट कर देना है। तो दोस्तों, मैंने अपडेट कर दिया है, ये अपडेटिंग हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा ऐप अपडेट हो चुका है, अब हम इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये ओपन हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको लेट स्टार्ट पर क्लिक करना है और दोस्तों उसके बाद इसको रिचार्ज करके ओके कर देना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या अपडेट था। तो दोस्तों, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे दो कैरेक्टर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से शो क्रिएट में ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हमारे वो सारे ऑप्शन आ चुके हैं जो पहले भी आया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शंस बढ़कर आया है, वो क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आई के एनएम के ऊपर और रिकॉर्ड के नीचे। तो दोस्तों, ये ऑप्शंस क्या है इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, अब आपको इसे इनेबल कर देना है और यहाँ से एनएम वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको दिखाई देगा कि आपके सामने कुछ अलग तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों, पहले क्या था कि हम अपने कैरेक्टर की यहाँ से एनिमेशन सेट करके उससे एक्टिंग कराया करते थे, लेकिन दोस्तों हम अब अपने हिसाब से भी। दोस्तों, पहले क्या था, यहाँ पे आपको कुछ एनिमेशंस मिल जाते थे जिनको यूज करके आप अपनी स्टोरी बना सकते थे, लेकिन अब हम अपने हिसाब से ही स्टोरी यहाँ पे बना पाएंगे। दोस्तों, पहले आपने देखा होगा यहाँ पे एक किक का ऑप्शन आ रहा था जिससे कि हम अपने कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को लात मरवा सकते थे, लेकिन दोस्तों थप्पड़ मारने का कोई भी एनिमेशंस नहीं था। तो दोस्तों, अब हम अपने हिसाब से एनिमेशंस बना पाएंगे, किसी को भी थप्पड़ मार सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ एनिमेशंस बना के दिखाते हैं। हम इस कैरेक्टर को फेस को इधर ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से कैरेक्टर की एनिमेशन अपने हिसाब से करनी है, जैसे कि हमें इसका हैंड मूव करना है तो इस ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने कैरेक्टर का हैंड किसी भी पोजीशंस में ला सकते हैं। दोस्तों, ये अपडेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ट्यूनक्राफ्ट ऐप में था। तो दोस्तों, जिस तरह से हम ट्यूनक्राफ्ट ऐप में वीडियो बनाया करते थे उसी तरह से इस ऐप में भी अब बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इस ऐप के अंदर भी अपने हिसाब से एनिमेशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये अपडेट अभी नया नया आया है, मुझे खुद भी इस ऐप पे प्रैक्टिकल करना है। पहले मैं खुद अच्छे से इसे समझूंगा, उसके बाद आपके लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार अपडेट। दोस्तों, जिन जिन भाइयों को ये अपडेट अच्छा लगा हो तो वो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं।